नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए शुरुआत करते हैं 25 बड़ी खबरों के साथ 5 मिनट के भीतर। वायनाड में लगातार जारी भारतीय सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन, तबाही में मरने वालों की संख्या 344 तक पहुंची। वहीं वायनाड में भूस्खलन इलाके में 8 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भारतीय सेना ने बचाई 6 लोगों की जिंदगी, मुख्यमंत्री विजन ने जमकर तारीफ की। वायनाड में हुए तबाही का ड्रोन विजुअल भी सामने आया, चारों तरफ दिखा खौफनाक मंजर। वहीं वायनाड में तैनात ड्रोन प्रणाली का जियो मैपिंग के लिए इस्तेमाल होगा, मिट्टी में दबे लोगों को इससे ढूंढने में आसानी होगी। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में बादल फटने के कारण भूस्खलन, भारतीय सेना ने अस्थायी पुल का निर्माण किया यहां पर। हिमाचल और उत्तराखंड में भी आसमानी आफत से भयंकर तबाही मची है। पिछले 48 घंटे में हिमाचल में 9 और उत्तराखंड में 14 लोगों की जान जा चुकी है। हिमाचल के स्पीति की पिन घाटी में बादल फटने से सैलाब, बाढ़ में एक महिला की मौत हो गई। हिमाचल के रामपुर में एनडीआरएफ के जवान का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किए जा रहे नवजात और पशु। हिमाचल के कुल्लू से भी बादल फटने की घटना सामने आई, कुल्लू मनाली हाईवे पर हालात सुधारने के प्रयास जारी हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम में भी बादल फटा, एनडीआरएफ की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। कुल्लू मनाली में भारी बारिश के बाद चारों ओर दिखा तबाही का मंजर, सड़कें हुई बर्बाद, खतरनाक रास्ते। कुल्लू में मूसलाधार बारिश के बाद स्थानीय लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई, प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। केदारनाथ में बादल फटने से रेस्क्यू ऑपरेशन तीसरे दिन भी जारी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, पुलिस और पीआरडी रेस्क्यू ऑपरेशन में डटे हुए हैं। भोपाल में भारी बारिश के बाद कालियासोत डैम का जलस्तर बढ़ा है, खोल ले गए हैं डैम के 5 गेट। जबकि रांची में बारिश जैसे हालात हैं, एनडीआरएफ की टीम ने निचले इलाकों में फंसे 35 लोगों को बचाया है। गुजरात के नवसारी और डांग जिले में 3 दिनों से हो रही है बारिश, सापुतर में 3 इंच तक बारिश रिकॉर्ड है। नवसारी में लोग जान खतरे में डालकर नदी पार करते दिखे, पर्यटकों के पसंदीदा गिरा वाटरफॉल का रौद्र रूप भी देखने को मिल रहा है। जबकि प्रशासन ने वाटरफॉल के करीब जाने पर पाबंदी लगाई है, प्रशासन ने किए लोगों से सतर्क रहने की अपील। वलसाड में भारी बारिश के कारण वापी के रेलवे स्टेशन पर जलभराव, रेलवे अंडरपास में भी पानी जमा। करगिल में 1 आवासीय इमारत ढह गई, रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में 5 लोग जख्मी हैं। वहीं दक्षिण बंगाल में हुई भारी बारिश, अंडाल एयरपोर्ट पर जलभराव से हवाई उड़ान प्रभावित है। वहीं बर्धवान में तेज बारिश से बाढ़ के हालात हैं, लोगों के घरों में घुसा खबर तक पानी, घर छोड़ने पर मजबूर वहां पर लोग। आसनसोल में बारिश के बाद नदी में उफान, पुल पार करते वक्त बह गया कार सवार, युवक की तलाश में बचाव दल। कुछ घंटों की बारिश में आसनसोल में जिला प्रशासन की तैयारियों की पोल खोली, लोग अपने आशियाने को छोड़ पलायन पर मजबूर। धनबाद में मूसलाधार बारिश के कारण कई इलाकों में घुसा पानी, लोगों के लिए बना परेशानी का सबब।